वेलकम बैक टू माय चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते पहले जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। तो भाई 3 हफ्ते हो गए, आई गेस नियरली 1 महीने होने ही वाले वीडियोस नहीं बनाया। और मैंने 2 दिन पहले मैंने मतलब डाला था कि मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो बस थोड़ा सा फिर मैंने आज पोस्ट भी डाला हुआ था कि थोड़ा देखो कि क्या सिचुएशन है एमी की लाइफ की, कि जिसमें मतलब ऐसा सीन होता है कि मतलब टाइम पावर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, तो टाइम ही नहीं मिलता है वीडियोस वगैरह बनाने के। तो अब क्या है कि कंटिन्यूशन रखेंगे, ट्राई करेंगे मैक्सिमम कि जो प्रॉमिस किए थे उस हिसाब से वीडियोस बनाए। तो भाई क्या चल रहा है भाई, मैंने 1 महीने पहले ये बात बोला था जब लाल सिंह चड्ढा आई थी, उसी टाइम मैंने बोला था जब ये लोग बोल रहे थे कि बॉयकॉट का बहुत बड़ा रोल होता है, बॉयकॉट का बहुत बड़ा रोल होता है फिल्म को डुबाने के लिए। मैंने तब भी बोला था अगर बॉयकॉट का सबसे बड़ा रोल फिल्म डुबाने में होता तो ये पद्मावत, पीके, ये रईस, ये सारी फिल्में डिज़ास्टर होती, डिज़ास्टर। बॉयकॉट वाले फ्री में क्रेडिट ले गए और फ्री में क्रेडिट लेते चले गए एंड पब्लिक पूरी एकदम पागल हो गई, अरे बाप रे बॉयकॉट मतलब लाल सिंह चड्ढा को डिज़ास्टर। भाई लाल सिंह चड्ढा से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सच बोल रहा हूँ, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने 1-1.5 साल से मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर 9 साल लेकर फिल्म बना रहे, इवन मैंने फॉरेस्ट गंप देखा हुआ है, सो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ चटपटा लेवल का होगा। आमिर खान ने सेलेक्ट किया तो आमिर खान से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम लोग। तो मैंने बोला कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, फिल्म एंटरटेनमेंट से भरी होगी। एक बात मैं बताता हूँ, अगर आपको नीच फिल्म बोल से अंडर रेटेड काइंड ऑफ फिल्म बनानी है तो उसके लिए अब थिएटर इज़ नॉट एन ऑप्शन ब्रो, उसके लिए OTT प्लेटफॉर्म आ चुके। पहले OTT प्लेटफॉर्म नहीं थी तो पहले थिएटर्स में लगती थी तो तब वो फिल्म फ्लॉप होती थी तो पब्लिक को गालियाँ पड़ती थी कि पब्लिक ने कैसे फ्लॉप कराया इतनी अच्छी फिल्म को। लेकिन अब भाई थिएटर आ चुके, अब OTT प्लेटफॉर्म आ चुकी है तो वहाँ पर आप 9 साल लेकर एक ऐसी फिल्म बनाओगे जिसमें कि आधे से ज़्यादा लोग सो रहे थे, इवन मेरे को भी 2 बार झपकी आ गई। तो अब थिएटर में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगा और वो है एंटरटेनमेंट चलेगा। ये अंडरडॉग स्टोरी, ये अंडररेटेड काइंड्स ऑफ फिल्म, नीच फिल्म, इन सब के लिए OTT प्लेटफॉर्म ने अभी पूरा दरवाज़ा खोला हुआ है। सो यहाँ पर आप ऐसी फिल्म लाओगे तो 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा नंबर्स मिले फिर भी फिल्म को, मैं तो 5 करोड़ भी मैं नहीं बोलूँगा उस फिल्म को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्म बहुत ख़राब थी, फिल्म उतनी ख़राब नहीं थी, बट फिल्म इतने साल लेकर ये नहीं बनाना चाहिए था। वो फिल्म मतलब अब आपको OTT लेवल का ही फिल्म बनाना था तो आप 1 साल में ही कंप्लीट कर देते, वो फिल्म रिलीज़ करते, मतलब बनाना ही नहीं चाहिए था। रीमेक क्यों इतना टाइम लेकर क्यों स्पेंड करके रीमेक क्यों करना, खैर सब बात को साइड करो। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इस बीच में जो आए वो है कि भाई ये बॉयकॉट वाले हंगामा कर गए, एकदम सैलाब आ गया, लाल सिंह चड्ढा डिज़ास्टर होगी, ये वो फलाना ढिमकाना, पठान तो ख़त्म हो जाएगी, नाम से ही चली जाएगी, ये वो KRK 50 करोड़ भर दिया गया। और कह रहा हूँ सब बात को साइड करो तो मैटर नहीं करता मेरे लिए कुछ भी। तो क्या सीन है भाई, जो मैंने कितने टाइम पहले बोला था तब ये लोग सब बोल रहे थे बॉयकॉट मतलब फिल्म, पब्लिक गर्म हो चुकी है बॉयकॉट, ऐसा कुछ नहीं है भाई, फिल्म में कंटेंट है, परफेक्ट प्रमोशन है, फिल्म का प्रमोशन में भी बहुत रोल होता है। जब फिल्म प्रमोट होती है तो पब्लिक को मतलब लगना चाहिए कि भाई है फिल्म में कुछ ना कुछ तो है। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला था अब देखो क्या, भाई एडवांस बुकिंग की सेल में रिकॉर्ड तोड़ रही है ब्रह्मास्त्र, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन, मेरे को लग रहा है फर्स्ट 30+ करोड़ का ओपनिंग लगाएगी हिंदी फिल्म्स की तरफ से। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, भाई फिल्म ने अट्रैक्ट किया पब्लिक को, फिल्म चलेगी। अब आप OTT लेवल के अंडररेटेड फिल्म्स लेकर आओगे, अंडररेटेड फिल्म्स में भी आप ऐसी फिल्म लेकर आओ जो पब्लिक जिसमें सोने, OTT में क्या होता है कि जब नींद आती है तो हम लोग फिल्म बन करके सोकर वापस उठकर बाकी देखते हैं, लेकिन थिएटर में वैसा नहीं है, 200 रुपये देखकर हम लोग वो 300 रुपये देकर वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वॉट अब कमिंग विथ पठान, तो पठान को इफेक्ट होगा नहीं होगा, इफेक्ट होगा नहीं होगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि शाहरुख खान एंड सलमान खान ये 2 बंदे से जिनको बॉयकॉट से तो अफेक्ट नहीं किया जा सकता, हिलाया भी नहीं जा सकता, एटलीस्ट
आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान। बहुत टफ है भाई, बॉयकॉट से इस बंदे को हिलाना बहुत टफ है, बहुत मतलब बहुत टफ है। एंड कमिंग विद सलमान खान, भाई साहब का तो फिल्म के नाम फिल्म के जो नाम का टाइटल ही मतलब पहले से एडवांस में बता रहा है कि ये 50 भी नहीं, ये 155 का 120 का भी नंबर्स नहीं लाने वाला है। मैं फर्स्ट डे की नहीं बात कर रहा हूँ, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ। कभी ईद कभी दिवाली, भाई जान किसी का भाई किसी की जान, मतलब यार मूड ही नहीं खराब कर, सत्यानाश हो गया मूड मेरा उस दिन, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट स्टिल आई एम सेइंग उनका भी वही है कि फिल्म खराब है तभी फिल्म डिजास्टर होगी। इनको इन दो बंदों को बॉयकॉट्स तो रोकना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। इनके दो मतलब फ़ैन क्लब्स, फ़ैन स्टारडम ही ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ फैंस ही अगर जाकर फिल्म देखेंगे ना, पहले 3 दिन के अंदर 80 से 100 करोड़ पार हो जाएगा। सिर्फ फैंस ही अगर थिएटर में जाकर अटैक कर देंगे तो ये सीन है। तो इनके हिसाब से इनका क्या सीन है उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो पठान जो है फिल्म का ट्रेलर कट ज़बरदस्त होना चाहिए। टीज़र कट तो ट्रेलर कट से भी फाड़ू होना चाहिए, क्योंकि टीज़र वो होती है जो फर्स्ट पब्लिक को अट्रैक्ट करती है। टीज़र अगर एक बड़ी फिल्म है तो या तो आप डायरेक्टली ट्रेलर रिलीज़ करो, या तो एक बड़ी बहुत बड़ी फिल्म है, एक इवेंट फिल्म है, तो आप ऑब्वियसली टीज़र भी रिलीज़ करते हो। तो टीज़र एक ऐसी चीज़ होती है जो पब्लिक का नज़र सबसे पहले पड़ता है उसमें। वो टीज़र कभी भी आए, कोई एक महीना बाद 10 महीने को रिलीज़ करना है रिलीज़ करो, नहीं रिलीज़ करना नहीं भी रिलीज़ करो। व्हाट इज़ आई एम सेइंग इज़ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है टीज़र, टीज़र के कटिंग्स होने चाहिए एक से बढ़ के एक, ज़बरदस्त BGM के साथ कटिंग्स होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है इस वीडियो के में, वीडियो को तो ये टैग करो YRF को, और एक क्लिप काट कर भी टैग करो। येलो ग्रेडिंग ख़त्म करो यार, ये जो येलो कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये पठान के लोगों में, फिल्म के लोगों में, फिल्म के पोस्टर्स में, ये येलो ग्रेडिंग का स्टोरी ख़त्म कर दो। येलो ग्रेडिंग से परेशान, इनका बस चले तो धूम का लोगों में भी, वो धूम का लोगो आई गेस वो ग्रे कलर का, स्टील आई गेस स्टील कलर का, उसको भी हटा के येल्लो कलर का डाल देंगे धूम 4 में। तो येल्लो ग्रेडिंग से क्या इनको इतना ऑब्सेशन है मेरे को नहीं पता। तो देन सेकेंड गोस विथ सॉन्ग्स। ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे सॉन्ग्स सही होने चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 सॉन्ग्स हिट होने चाहिए, 100 मिलियन 200 मिलियन वैसा वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होने चाहिए। वो ट्रेलर फिल्म का फाड़ू होना चाहिए, फाड़ू। अभी मेरे को सुनने में आ रहा है लोग क्या मिनी टीज़र वगैरह, भाई एक तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ करेंगे, और दूसरा अगर कर दिया ना भाई, मतलब धजिया उड़ जाएगा फिल्म का, धजिया मतलब धजिया उड़ना तय अगर ये मिनी टीज़र का बकचोदी अगर ये हुआ तो। खैर वो सब नहीं होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना ऐसा भयानक कमबैक करने वाला है, तो फिर ये मिनी टीज़र हैरी मेट सेजल वाला बकवास इधर नहीं होने वाला इतनी बड़ी फिल्म के साथ। ये सब तो मेरे को तो 99.9% ये बकवास रूमर्स ही लगता है। देन कमिंग विथ फिल्म, तो भाई फिल्म स्टार्टिंग के 3 दिन तो फैंस ही चलाएंगे, लेकिन उसमें क्या होएगा कि जो दूसरे दिन और तीसरे दिन का नंबर है वो डिसाइड करेगा फिल्म का एंटरटेनमेंट पैकेज। एंटरटेनमेंट पैकेज ही डिसाइड करेगा भाई, फिल्म में स्टोरी है तो सबसे पावरफुल चीज़ फिल्म के अंदर आ गई वो है उसकी स्टोरी। स्टोरी है भाई फिल्म के अंदर, ज़बरदस्त वाली स्टोरी है। देन सेकेंड चीज़ उसमें आती है कि जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट फैक्टर। पब्लिक अगर वो 350 पठान तो मेरे को एक्सपेंसिव लग रही है टिकट्स उसकी, तो IMAX में भी आएगी वो, तो 350-400 रुपये देकर अगर पब्लिक टिकट लेती है, एक ऊपर से 60 करोड़ का क्लाइमैक्स, ये वो फलाना ढिमकाना, सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व किया, लेकिन उसके बाद अगर हम सत्यमेव जयते 2 जैसी फिल्म निकल कर सामने आती, क्योंकि जॉन अब्राहम को देखकर मेरे को बहुत डर लग रहा है उस फिल्म के अंदर, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, वैसी काइंड ऑफ फिल्म सामने आएगी तो डर जाए पब्लिक, ख़त्म। फिर तो 50 करोड़ ही पकड़ लो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन। देन कमिंग मतलब उस जगह पे अगर एंटरटेनमेंट फैक्टर फिल्म के अंदर हुआ विथ प्रेजेंस ऑफ स्टोरी, स्टोरी 50% हो तो भी चलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट फैक्टर 100% होना चाहिए फिल्म के अंदर। मतलब कोई भी सीन में पूरा थिएटर शांत बैठा है। ऐसा कि लास्ट की 3-4 फिल्मों में मैंने एक चीज़ नोट की, इवन इन फैन वो मास्टरपीस फिल्म थे, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा एक चीज़ मैंने नोट किया है, 6 से 7 सीन्स ऐसे आते हैं, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, 6 से 7 सीन्स ऐसे थिएटर में आते हैं जिसमें पूरा थिएटर सन्नाटा हो जाता है एकदम,
मतलब स्क्रीन्स पे भी कुछ नहीं चलता, स्क्रीन पे भी एक दूसरे को देख रहे हैं, पूरा थिएटर सन्नाटा पड़ा है, सन्नाटा एकदम, मतलब कोई साउंड पिन गिरने का आवाज़ भी नहीं आ रहा है, मतलब क्योंकि सीन ही वैसा चल रहा है। एक डेढ़ मिनट दो मिनट तक कितना, मतलब कितना सर्वाइव करेगी पब्लिक, कितना सर्वाइव करेगी, बाहर निकल कर ख़राब रिव्यू देगी देगी। दैट इज़ व्हाट द मोस्ट नेगेटिव पार्ट अबाउट SRK's लास्ट 4-3-4 फिल्म्स। तो वो चीज़ नहीं होनी भाई पठान में। ये सब कुछ अगर परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ ना भाई, तो तुम्हारा जवाब ये है कि भाई इस फिल्म को रोकना पहला दिन जो 25 करोड़ ये कितना 25 तारीख को निकाल रही है ना, अरे बाप रे, इसका वीकेंड बिजनेस इतना मारेगा, इतना नंबर्स बनाने वाला जिसका कोई हद नहीं है, जिसका कोई हद हिसाब नहीं। मैंने पहले भी बोला, फॉर मी जवान इज़ अबव पठान एवरी टाइम, बट पठान में क्या है कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो एनालाइज करने के बाद बहुत सारे ड्रॉबैक्स एडवांटेज वो सारी चीज़ जो ड्रॉबैक की तरफ है वो एडवांटेज की तरफ अगर घूम गई तो भाई तो फिर रोकना पॉसिबल ही नहीं है इस फिल्म को, रोकना पॉसिबल नहीं। ये फिल्म 200, 250, 250, 300, 500 तोड़ देगी और वर्ल्ड वाइड के अंदर ये फिल्म का नंबर्स इतने बड़े होंगे। मैंने सुना है कि इंग्लिश में भी डब होगी ये फिल्म, क्योंकि एक्शन फिल्म है, एक्शन स्केल की फिल्म है, इतनी बड़ी एक्शन स्केल की फिल्म नहीं बनी है, तो ये लोग मतलब ऑल ओवर मल्टी लैंग्वेजेस में डालेंगे। लेकिन मेरे को अभी भी ये बात पर डाउट है, ये तो मेरे को भंकस बात ही लगता है, क्योंकि अगर उनको इंग्लिश में डबिंग करना होता तो सबसे पहले इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु ऐसा लिखा होता, हिंदी तमिल एंड तेलुगु लिखा तो उतना ही होगा, ये सब बकवास बात है, व्यूज़ कमाने की बात है। लेकिन अगर होती भी और फिल्म अच्छी भी निकलती है तो ग्लोबली तो वे फिल्म रोक नहीं सकता भाई, इस फिल्म को रोका ही नहीं जा सकता, फाड़ डाली के ब्लास्ट कर देंगे, बिगेस्ट कमबैक एवर होगा। और अभी तो मेरे को लगता है कि ब्रह्मास्त्र ही वो कर देगी, बॉलीवुड का 10%, 20%, 30% कमबैक करा देगी, जो कि एडवांस बुकिंग से लग रहा है। और इतनी मेहनत करके, इतने विजुअल वगैरह क्रिएट करके, और जो क्रिएटिविटी स्टोरी में दिखाई गई है, मतलब ट्रेलर टीजर से देख कर मेरे को लगा, तो वो फिल्म मतलब ड्रॉप तो नहीं लेगी, वो फिल्म ग्रोथ ही लेगी, ग्रोथ लेते 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 वीकेंड बिजनेस ही उसका 100-150 करोड़ का हो जाएगा, और फिल्म एक की वही मोमेंटम पकड़ लेगी जो मोमेंटम पहले के बड़े बड़े सलमान खान सब के फिल्म्स पकड़ते थे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, चिल मारने का, भरोसा करने का कमबैक स्टार के ऊपर, बादशाह के ऊपर, और बस आराम से बैठने का। मिलते अपने अगले वीडियो के साथ, वो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दो, बटन आने से पहले ट्राई करते 1 लाख टच कराने दे तो उड़ा दो तुम सब्सक्राइब बटन, 3-4 अकाउंट से मार के उड़ाओ, लेकिन उड़ाओ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो से, तब तक के लिए।